Assalamu alaikum dear students, I am Ishkul Bisharat. Today I will tell you physics. आज मैं आपको first lecture दूंगी third chapter के बारे में which is geometrical optics. Geometrical optics में अगर आपको content में बताऊँ तो क्या होता है कि जब light किसी path को follow करके pass करे, ठीक है, then यहाँ पास आ गया geometrical optics. मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइट किसी भी पाथ को फॉलो करो तो वो आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है. ऊपर जाएं हमारे पास ऐसे लोग क्वेश्चन बन रहे हैं, हाउ अ ह्यूमन आई वर्क, कि ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है. ह्यूमन आई वर्क व्हेन लाइट फ्रॉम इट एंटरिंग द आई, कि जब लाइट फ्रॉम इट या लाइट फ्रॉम द आई एंटरिंग, लाइट फ्रॉम इट भी एंटरिंग द आई हो सकता है, कि जब लाइट जो है पास करेगी इधर तो एंटरिंग द आई. आपने प्री मेडिकल रखा हो तो आपने 9th क्लास 10th क्लास की बायो में पढ़ा होगा कि आपके पास प्यूपल डायलेट होते हैं, प्यूपल की कंट्रक्शंस होती हैं, इनमें मसल्स वगैरह होते हैं, एंड देन उसके बाद लॉन्ग साइडेडनेस होती है, शॉर्ट साइडेस होती है. लाइट फ्रंट ऑफ रेटिना पास करो तो उसको आप बोलते हैं ये है शॉर्ट साइडनेस. अब इन बिहाइंड द रेटिना हो तो उसको आप बोलते हैं लॉन्ग साइडेडनेस. अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके आप एबल तब होंगे ऐसे लोग क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए जब आप पूरे चैप्टर को रीड करेंगे. ये था पूरा इसका इंट्रो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, कि जब लाइट किसी भी पाथ को फॉलो करती है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, ये था आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का इंट्रो. प्लीज अगर नेक्स्ट अगर आपको चाहिए इसका लेक्चर तो आप कमेंट में लिखें तो मैं आपको दे दूँगा.